दुनिया से कंटेस्टेंट से आया है और आज ओमान का हैतम जीत गया है दिल हिंदुस्तानी। इतने सारे ढेर सारे वोट्स मिले इंडिया से और बाहर के देशों से, सो वे वेरी वेरी हैप्पी कि एक बहुत अच्छा टैलेंट आगे जा रहा है। हैतम एक बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है जो ओमान से है और आज उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है दिल हिंदुस्तानी का प्लेटफॉर्म। उसका दिल हिंदुस्तानी है, भले ओमान से है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने एक्सेंट पे काम किया, जिस तरह से उसने अपने गायकी पे काम किया, उसके उसकी अरबिक एक्सेंट की वजह से हिंदी ठीक तरह से बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उस पर इसने मेहनत की और इस मंच पे मेहनत की और आज वो वाइल्ड कार्ड एंट्री था उस ये शो पे और आज आगे जाके आज जीत गया। करण कुछ भी कर सकते हैं, रैप भी कर सकते हैं, गा भी सकते हैं, होस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी है, तो आई थिंक ही ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो नहीं कर सकते। हम लोग के मन में ऐसा था कि यार सबके सब गन्ना से, अभी ऑडियंस जनता को डिसाइड करने दो कि क्या, और इतने सारे वोट्स आए हैं सबके सब, और युफनी बरनाली हो या अजय अमृतांशु नास्त्या हो या हमारे सिमरन राज हो और हमारी अंकिता शाश्वती हो, बहुत सारे ढेर सारे वोट्स आए हैं सबके लिए और हैतम जीत गया। तो आई थिंक इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन और बड़ा दुख हो रहा है कि आज ये शो खत्म हो गया, लेकिन वापस सीजन 2 जल्दी आएगा। क्या कहा आपने इनको? मैंने कहा कि शालमली इतना रोती है शो पे, इतना रोती है कि कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। क्यों रोती होगी? आपने पूरे सीजन में इतना तंग किया है मुझे, चुगली कर करके कर करके। ये आशिम है ये आशिम है इस शो के डायरेक्टर निर्माता है, वहाँ देखिए प्लीज, जनता आपको देखना चाहते हैं। मैं तो पहले दिन से खुश थी कि हमें इतने अच्छे आर्टिस्ट सुनने मिले, इनका परफॉर्मेंस देखने मिला, उनका ग्रोथ देखने मिला, एंड आई थिंक जो आज के विनर्स हैं, आई थिंक पांचों विनर्स ही हैं हमारे लिए, पर ये कंपटीशन होने के नाते आई थिंक वी नीडेड टू डू फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, अप टिल फिफ्थ प्लेस। बहुत खुश हूँ हैदम के लिए और युफनी बरनाली के लिए, दोनों बहुत अलग रंग लाए हैं हमारे शो में, एंड We know that our standard is high up there season 2 के लिए। बिल्कुल, हम तो स्टूडियो में मिलते रहते हैं, हम मिलते रहेंगे, करण भी मिलते रहते हैं, बादशाह भी मिलते रहते हैं, तो ऐसा है नहीं कि हम लोग जल्दी जल्द स्टूडियो में मिलेंगे सबके सब, साथ में गाना बनाएंगे, गाना रिकॉर्ड करेंगे और दिल हिंदुस्तानी 2 का प्रिपरेशन करेंगे।